तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था, हमको मालूम चाहता है कि लूश है वो हमारे मेक अटैक का सर डेरिक, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फाइट करने के लिए बाकी 14 बंदे को मरवा डाला, खाली इन दोनों को यहाँ पे सही सलामत। एक हमारा मेक अटैक है खुद यहाँ पर, हमारा मेक अटैक कहता है यार लेकिन ऐसा करने से शक नहीं जाएगा कि अचानक से अचानक सारे के सारे बंदे एक बार में मर गए तो उसके ऊपर ऐसा शक वक ये कहता शक यहाँ पे जाएगा। लेकिन तुमको क्या लगता है बुद्धू बंदा है क्या जो कुछ भी यहाँ पे करेगा? यार कुछ भी करने से पहले सोचता समझता लागू ना यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है उसने कुछ ना कुछ तो सोच समझ के किया होगा। जिलियन कहते सुनिए यार ये बंदा एग्जैक्टली है कौन और क्या क्या इसके पास एबिलिटी है, कैसा बंदा है, थोड़ा अच्छे से बताओगे क्या? ये भी कहता है कि वेल यार हमें बताता यहाँ पर हूँ, उसके पास भी एक कमाल का सॉर्ड यहाँ पर है जो कि हमारे अकेडमी का ही था, हमारे अकेडमी का ही मेंबर था, मैंने उसको अपने हाथों से सिखाया था, लेकिन जैसे बड़ा हुआ ना यार साला धोखेबाज यहाँ पे बन गया, धोखा दिया वो निकल गया। उसके बाद दुनिया भर में जो बड़े बड़े सॉर्ड मैन है ना उसने सबको चैलेंज यहाँ पे किया और सबको हराया। इन शॉर्ट तुझे बोल दूँ वो कोई ऑर्डिनरी सा सॉर्ड मैन यहाँ पे नहीं है, अगर तू उसके साथ यहाँ पे फाइट करेगा ना ध्यान यहाँ पे देना। तो सामने से हमारा मेक अटैक कहता है मैं ध्यान दूंगा, रही बात आपने बोला कि आपने भी कोई सॉर्ड यहाँ पे दिया था कमाल का, क्या था कैसा था कुछ बताओगे क्या? उतने में जो गांव फैमिली के लीडर यहाँ पे ना गांव युवान वो यहाँ पर आता है और आते ही सामने से कहता है सुनो यार ये क्या बोलते हैं लिंगबो के बाप यार तुमने कैसे बच्चों को यहाँ पे भाई ट्रेनिंग दे दी, वो ना आज इतना बड़ा मुसीबत बन के हमारे सामने आ गया। सारे बंदे उसको ऐसा नमस्कार करते, हमारे मेक अटैक को याद आता गांव युवान इसका नाम यहाँ पे बोला गया है ना, ये भी गांव फैमिली का मेंबर यहाँ पर होगा। लियन यून माइंड टू माइंड कहता है यस गांव फैमिली का लीडर यहाँ पर है, वो जो लड़का गाउचेन है ना उसका बाप भी है और लॉयल फैमिली में ना ये अभी के लिए स्पेशल गार्ड यहाँ पे बन चुका है। तो सामने से जो गांव युवान था ना हमारे मेक अटैक कहता है सीजन तुम्हारा नाम है ना, मेरा बेटा तुम्हारे साथ ही तुम्हारे अकेडमी में पढ़ता है। हमारा मेक अटैक कहता है यस आप लॉयल फैमिली के यहाँ पे स्पेशल गार्ड होना, तो ये जो 14 बंदों की मौत यहाँ पर हुई है उसके बारे में पता करने आए हो। सुनो यार वो जो लूश है दोनों से बहुत पहले लिंगबोक की अकेडमी को धोखा देकर निकल चुका है, तो उसके बीच में हमारे बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, हमसे कुछ भी मत पूछिए, डायरेक्ट जाकर उसको पकड़ लीजिए। ये कहता ना हमारे पास कोई भी सबूत यहाँ पे नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात जो शक है ना वो शक तुम्हारे पे प्लस उस पर भी जाएगा, लेकिन हाँ आइडिया है मुझे कि तुम ऐसे बंदे नहीं हो, तुम जाके ऐसे को मार नहीं सकते, इसलिए मुझे भी पूरा विश्वास है उसी लड़के ने मारा होगा, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है उसको पकड़ यहाँ पे नहीं सकते। जो मरानी यहाँ पर ना कुछ भी हो जाए उसको तो फाइट यहाँ पे देखना है, मतलब देखना ही है, इसलिए कल ना फाइट यहाँ पर होगा, अच्छे से तैयार है ना, और कुछ उल्टा सीधा करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, समझ गए क्या? सामने से जो लिंगबो का बाप है ना वो भी कहता सुनो जब तुम फाइट करने जाओगे अगर तुमको लगे तुम यहाँ पे जीत रहे हो तो जाकर फाइट यहाँ पे कंटिन्यू करें, अब बाई चांस तुमको लगे कि नहीं जीत पाओगे हार जाओगे हार मान जाना वहीं पर, मैं नहीं चाहूंगा कि भाई हमारी दुश्मनी के चक्कर में तुम्हारी जान पर कोई आज यहाँ पर आए। ये भी कहता यार डोंट वरी मैं समझ गया। सामने से जिलियन ये भी कहती है अपने ध्यान रखना अपने आप कुछ होने मत देना, हमारा मेक अटैक कहता है फालतू में टेंशन लेती हो कुछ नहीं होगा। गांव युवान भी कहता है यार तुम्हें सेफ्टी का दिया नहीं नाम यहाँ पे देंगे। रात का समय हो जाता है, हमारा मेक अटैक अपने कमरे में आराम से लेटा हुआ था, सोया नहीं था बस ऐसे ही लेटा हुआ था, उतने में सॉर्ड कहता है कोई तो है जो तेरे कमरे के अंदर जबरदस्ती आने की कोशिश कर रहा है। हमारा मेक अटैक कहता है यस मुझे भी एहसास हो रहा है, खिड़की से कोई तो बंदा है ना वो चढ़ के आ रहा था, बंदा नहीं बंदी लड़की या जो मरानी यहाँ पे थी ना वही आ रही थी, छोटी सी बच्ची यहाँ पे थी जैसे तैसे आती है और खिड़की से ऐसा लटक के नीचे भी आने में नहीं बन रहा था इतनी छोटी थी। हमारा मेक अटैक देखता है और कहता है लड़की कौन यहाँ पर है, वो जाती है डर और गलती से हाथ छोड़ता है, फटाक से नीचे गिरती है, नीचे मतलब बाहर साइड नहीं यार अंदर साइड ही, मैंने बोला ना खिड़की हल्का सा ऊंचा यहाँ पे था जी चक्कर में आने को भी नहीं बना था, लेकिन नीचे गिरती है पिछोड़े पे चोट लगता है, जोर से चिल्लाती भाई आधी रात हो गया था तुझे सोने को नहीं हो रहा क्या तूने मुझे डरा दिया। हमारा मेक अटैक सोचता वो आधी रात के दूसरे कमरे में ये घुसती है और उसी बंदे को चिल्लाती है जिसका कमरा यहाँ पर है, चिल्लाना तो मुझे चाहिए था। फिर सामने से कहते कि सुनो मेरी बात यार तुम पक्का सीजी नहीं यहाँ पर हो ना, ये भी कहते हैं यस मैं सीजी नहीं यहाँ पर हूँ, लेकिन मैडम तुम यहाँ पे कौन हो? तो सामने से ये बताती है हीलियन मेरा यहाँ पे नाम है। हमारा मेक अटैक कहता है हीलियन तुम्हारा यहाँ पे नाम है? आई डोंट नो यार मैं किसी हीलियन नाम के लड़की को यहाँ पे जानता नहीं, और एक सेकंड यार मेरे घर के बाहर ढेर सारे गार्ड यहाँ पे थे, उन गार्ड को भाई चकमा देकर तुम अंदर यहाँ पे कैसे आ गई? ये कहती वो गार्ड वो नल्ले गार्ड, अरे मेरे पास कमाल की टेक्निक है जिसकी मदद से मैं खुद का ऑरा छुपा कर ना कहीं भी घूम सकती हूँ, यहाँ पर आ गई, जाहिर सी बात है भाई वो मेरा कुछ गार्ड नहीं पाएंगे। हमारा मेक अटैक कहता है वाओ और छुपा के गार्ड से बच के आ गई, लेकिन एंड में इतनी छोटी टांग है कि सही से उतर भी यहाँ पे नहीं पा रही हो। ये सामने से कहती है लेकिन एक सेकंड यार एक सेकंड, 16 बंदे यहाँ पे थे, 16 बंदे में से 14 बंदे यहाँ पे मर गए आधी रात को, अचानक से मैं तुम्हारे कमरे में ऐसा आ रही हूँ, तुमको डर यहाँ पे नहीं लग रहा कि शायद मैं ही हूँ जिसने भाई बाकी बंदे को जहाँ से मरा और तुमको भी जहाँ से मरने आ गई? जो सुंदर हमारे मेक अटैक कहते हैं यस क्योंकि भाई तुम नहीं हो और जो लू शेव था ना लू शेव ने जहाँ से यहाँ पे मारा। जो सुंदर ये कहती है एक सेकंड भाई तुमको ऐसा लगता है लू शेव ने जहाँ से मारा
मारा। नहीं सोचो यार, तुमको ऐसा क्यों लगता है कि लूश है उन्हें जहाँ से मारा, हो सकता है कि शायद मैंने जहाँ से मारा हो और आज मैं तुमको जहाँ से मारने के लिए यहाँ पर आई रहेंगी। जो सुनते हमारा मेक अटैक कहता है कि अरे यार अच्छा ठीक है, मान लो कि आपने जहाँ से मारा उसने जहाँ से मारा, अगर आप मुझे जहाँ से मारने आई हो मैं बैठ के चुपचाप मरवाऊंगा, तो नहीं मैं भी सामने से फाड़ करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं कड़ी टक्कर यहाँ पे दूंगा। जो सुनते सामने से ये भी कहती है अरे यार क्या कॉन्फिडेंस है तेरे अंदर, देख के मैं भी दीवानी हो गई। यह तभी तो भाई तुमको देख कोई भी कह सकते तुम शी के यहाँ पे बेटे हो गए, हैंडसम ही हो भाई अपने बाप जैसे। ये भी कहता है एक सेकंड, शी मेरे बाप का नाम है, तू मेरे बाप को यहाँ पे जानती हो क्या, यह तुम हो कौन। ये कहती भाई मेरे यार बताया तो हील, ये मेरा यहाँ पे नाम है, नाम भी यहाँ पे बता दिया तो भी तुमको मेरे बारे में आइडिया नहीं लगा, यह नहीं माना पड़ेगा। शी ने सच्ची में तुमको कुछ भी यहाँ पे नहीं बताया, यार जैसा बाप वैसा यहाँ पे बेटा भी है। और एक सेकंड यार, मैंने तुमको यहाँ पे आते ध्यान से देखा, मुझे आइडिया लग चुका है तुम शी हो, लेकिन शी हो के भी शी यहाँ पे नहीं हो। हमारा मेकअप सोचता है कि एक सेकंड कैसी बहकी बहकी बातें की जा रही है, एक सेकंड यार कहीं ये तो नहीं कहना चाहते कि भाई मैं शी यहाँ पर हूँ लेकिन ये दुनिया का बंदा यहाँ पे नहीं हूँ, पृथ्वी से आया वो बंदा हूँ शायद, इसका ना इसके बारे में आइडिया लग चुका है, इसको इसके बारे में आइडिया शायद लग चुका है। तो ऐसे घूर घूर के देखे जा रही है, हमारे मेकअप भी हल्का सा चौंका हुआ है कि इसको कैसे आइडिया लगा। उतने में गार्ड्स की आवाज़ आती है, भाई चलो चलो यार हमको ही बच्चा यहाँ पर दिखा था अंदर आते हुए, हमको उसको जाके पकड़ना पड़ेगा, हर कमरे में जाके चेक करो। ये डर जाते शीट भाई, मुझे भी ढूंढे ढूंढे यहाँ पर आ जाएंगे, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा बाय बाय, इतना बोल के खिड़की से निकलने को तैयार थी। मैंने बोला खिड़की हल्का सा ऊंचा है और ये छोटे साइज के यहाँ पर है, अरे चाह के भी ना नहीं जा पा रही थी, हाँ तो नहीं जा पा रही थी और क्या। तो कहते सुनो यार मेरे को धक्का यहाँ पे दोगे क्या, ये भी कहता बटली कहीं की आता उसको हल्का सा धक्का देता, वो भी कहती है कहाँ छू रहा यार वहाँ पे मत छू, ये भी कहता यार मैं बस धक्का दे रहा हूँ छू यहाँ पे नहीं रहा। वो फाइनली खिड़की सवार यहाँ पे निकाल देता और कहती ओके ठीक है मैं जा रही हूँ। हाँ तो ये जो बात है ना कि भाई मैं तुझसे अकेले में मिलने आई थी ये किसी और को मत बताना बाय, इतना बोल के निकल जाती है। और हमारा मेकअप डबी लाइक भाई कौन यहाँ पे थी, क्या कहना चाहती थी, क्या काम एग्जैक्टली यहाँ पे था, लिटरली मुझे कुछ मालूम ही नहीं चला। उसको यहाँ पे शीर्ष होता अगले दिन जहाँ पे कॉम्पिटिशन की बारी आ चुकी थी। तो कॉम्पिटिशन में लड़ाई करने के जाने से पहले सामने से लिंगो कहती याद है ना मेरा बजाने क्या बोला था, जब लगे कि नहीं लड़ सकते हार मान जाना, ज्यादा फोर्स मत करना अपने आप को। ये भी कहता यार मैं बिल्कुल भी फोर्स यहाँ पे नहीं करूंगा। तो सामने ये यहाँ पे भाई लूश है, वो मुझे अब इंतजार नहीं हो रहा, लूश है को और भी इंतजार नहीं होता कि यस फाइनली जिसका मुझे इंतजार था ओ घड़ी आ गई आ गई। पीछे सर जो ये था ना गाँव चैन बैठा हुआ उसको तो गुस्सा रहता कि बेटे अब तू तो गया। उतने में ना महारानी आती है, सब लोग कहते हैं भाई महारानी की जय हो महारानी की जय हो महारानी की जय हो, सब लोग अपना सर झुका लेते, हमारा मैं कटा भी सर झुका लेता, सोचते कि एक सेकंड यार हाँ मैंने सुना कि हमारी देश की जो राजा है ना वो राजा कोई राजा नहीं बल्कि एक रानी यहाँ पर है, मैंने आज तक कभी देखा नहीं है कौन है यार। तो जैसे सर ऊंचा करते हो जैसे दिखता ना लड़की दिख जाती है, जैसे दिखती है ना पहचान जाता कि एक सेकंड यार ये तो वही लड़की है ना जो कल रात को मेरे कमरे में आई थी, ये महारानी यहाँ पर है। सामने सो भी इशारा करती कि भाई ऐसा उंगली करती है मुंह पर कि किसी को बताने का नहीं। तो जो लिंगबो यहाँ पे था लिंगबो से पूछता मुझे एक बात बताओ यार ये जो महारानी यहाँ पर है यार इनका ये नाम क्या है यार। सामने से ये भी कहती है कि एक सेकंड यार महारानी हमारी देश की महारानी है, बच्चे बच्चों को भी नाम यहाँ पे मालूम है लेकिन तो भी यहाँ पे तुझे मालूम भाई कैसा लड़का है। वो कहता बता दो यार नहीं मालूम, ये बताती भाई हीलियन यहाँ पे नाम है, तो सरनेम यहाँ पे बेसिकली हीलियन है, ये भी पहचान जाता हीलियन। अरे यार यही तो सरनेम था यार जो उस लड़की ने भी बताया था, यानी सच्ची में महारानी यहाँ पर आई है, तभी तो कह रही थी कि भाई तू मुझे नहीं पहचान पा रहा मुझे नहीं पहचान पा रहा। महारानी भाई महारानी को हर कोई पहचानता है, मेरे मम्मी पापा सालों ने कुछ ज्ञान यहाँ पे दिया ही नहीं था मुझे यार। एक काम करता हूँ ली न्यू से बैठ करे ना पूरा जो भी हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना दुनिया के बारे में सारी बातें पता कर लूंगा, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता। फाइट अभी बाकी है मेरी जान, अगले एपिसोड में होगा तो अगला एपिसोड मिस मत कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।